पड़ोसी मुल्क की साजिश के तार आखिर कितने लंबे हैं कोई नहीं जानता। राजस्थान और देश के कुछ दूसरे हिस्सों में पिछले दिनों की गई सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के बाद अब इतना तो साफ होने लगा है कि दहशतगर्दों को मतलब है तो केवल अपनी कारगुजारियों से, फिर चाहे रास्ता कोई भी हो। प्रदेश की सरहद की बात करें तो पिछले दिनों में यहाँ से पकड़े गए देश के भेदियों ने भी काफी चौंकाया है। लेकिन आज हम आपको नापाक मनसूबों को चहन में पालने वाले उन लोगों की एक और कारगुजारी से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। राजस्थान की सरहद पर अब लगता है कि अपने जहन में नापाक मंसूबों को पालने वाले लोगों ने इसे अपना आसान ठिकाना बना लिया है। प्रदेश के जैसलमेर और बाड़मेर में भेदियों की पोल खुलने के बाद अब एक और जाल सामने आया है और वो है सोशल साइट्स का जाल। हो सकता है कि आपके मोबाइल पर भी ऐसा ही कोई फोन कॉल आए या फिर आपके व्हाट्सएप पर भी ऐसा ही कोई संदेश आए जो ये संदेह पैदा करता हो। आपको बता दें कि सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी पड़ोसी मुल्क से ऐसे मैसेज और फोन कॉल पहुंच रहे हैं जो वाकई संदेह पैदा करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ें, इससे पहले जरा इस फोन कॉल को सुन लिया जाए। जी नमस्कार भाई, मेरा नाम अंसार बर्नी है, पाकिस्तान से। मैं इस वक्त लंदन आया हुआ हूँ और लंदन से आपको मैसेज कर रहा हूँ। मुझे आपका रेफरेंस, मुझे आपका नाम श्रुति तोमार जी ने दिया था, तो आपकी मदद चाहिए मुझे। मुझे इत्तलात मिली है कि एक 5 साल का बच्चा है जो गंगानगर पुलिस स्टेशन या जेल में है, पाकिस्तानी बच्चा है। पाकिस्तान में 1.5 साल पहले वो किडनैप हो गया था और अब पता चला है कि वो गंगानगर में है। तो कैन यू हेल्प मी इन दिस रिगार्ड? तो आपने सुना इस फोन कॉल को, अब जरा व्हाट्सएप मैसेज पर भी गौर कर लिया जाए। यहाँ भी कुछ ऐसे ही इबारत लिखी गई है और ये मैसेज भेजा गया है श्रीगंगानगर के रहने वाले एक शख्स को। मैसेज और फोन करने वाला ये शख्स श्रीगंगानगर के रहने वाले एक व्यक्ति से जो जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहा है वो वाकई संदेह पैदा करती है। दरअसल सरहदी इलाकों में जिस तरह से इन दोनों पाकिस्तान से मैसेज और फोन कॉल आ रहे हैं उनमें साजिश की बू आ रही है। किसी न किसी बहाने से यहाँ से सरहदी इलाकों की जानकारी बटोरने की कोशिश भी की जा रही है। अब जरा इस शख्स पर नजर डालिए। इस व्यक्ति का नाम है जसप्रीत सिंह। ये वही युवक है जिसके फोन पर इस तरह के मैसेज और फोन कॉल आए हैं, जिसके बाद अब इस युवक ने पुलिस की शरण ली है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आया, वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भी आए, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को पाकिस्तान का रहने वाला बताया और अंसार बर्नी अपना नाम बताया, जिसमें उसने मुझसे कहा कि एक 5 साल का बच्चा पाकिस्तान से गायब हो गया था 1.5 वर्ष पहले, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें कि वो गंगानगर की जेल में या पुलिस के पास है। तो मैंने इसे संदिग्ध मानते हुए और न्यूज़ चैनल्स और अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है कि बहुत से ऐसे मैसेज आते हैं और लोगों को फंसाते हैं अपने जाल में पाकिस्तान वाले और जानकारियां जुटाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये संदिग्ध लगा और इसलिए मैं एसपी साहब के पास आया हूं और उनको अपनी एप्लीकेशन दे रहा हूं कि इसकी जांच करें और जो उचित कार्रवाई है वो की जाए।
जसप्रीत ने इस मैसेज को संदिग्ध माना और सुरक्षा की दृष्टि से ये मामला पुलिस के पास भी पहुंचा दिया। हालांकि अब इलाके की पुलिस का कहना है कि वो जसप्रीत की दर्ज शिकायत पर अपनी जांच कर रही है। यहां पुलिस का साफ तौर पर मानना है कि फोन करने वाला शख्स सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी जुटा रहा है और इसके लिए सतर्क रहने की भी जरूरत है। एक जसप्रीत सिंह नामक व्यक्ति ने हमें परिवाद दिए है, जिसमें उसने बताया कि मेरे व्हाट्सएप पे एक पाकिस्तान के अंसार बर्नी ने वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज किए हैं, जिसमें उसने एक किसी बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए है कि वो बच्चा पाकिस्तान से गुम हो गया और अभी सुना है कि गंगानगर किसी जेल या किसी थाने में बंद है। अगर ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो इसका मतलब वो यहाँ से कोई जानकारी जुटाना चाह रहे हो सकता है वो हमारी कोई लोकेशन लेना चाह रहे हो, जेल कहाँ है या थाना कहाँ है या कोई भी सैन्य प्रतिष्ठान है या कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, तो इसलिए ऐसी कोई भी जानकारी देने से बचे और उससे पहले थाने को सूचित करें। और इसके माध्यम से वो आपको फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, इसके माध्यम से आपको कोई लव लालच दे करके फंसाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसलिए तुरंत पुलिस को सूचित करें। सरहदी इलाकों में इस तरह के मैसेज आना वाकई सुरक्षा में सेंध की कोशिश भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरहदी इलाकों से पिछले दिनों जासूसी के संदेह में भेदियों की धरपकड़ हुई है, उससे ये तो तय है कि दहशतगर्द अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सरहदी इलाकों के बाशिंदों को अपने सॉफ्ट टारगेट पर रखे हुए हैं। देश भर में आईएसआई एजेंटों की धरपकड़ तो चल ही रही है, वहीं सरहदी इलाकों के अंदर इस तरह के मैसेज आना वास्तव में चिंताजनक बात है। हालांकि इस तरीके के मैसेज करके वो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खुफिया एजेंसियां ऐसे मामलों से किस तरीके से निपटती है। फर्स्ट इंडिया के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा।